हेलो जी, मेरे वालों सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल। अज मैं तुहानू बना के दिखाउण जा रही हाँ शरारा, जो कि गोड्यां ते चोणां पाईआं हुंदीआं उह वाला शरारा। अज ये आपां बरीक बरीक चोणां पा लईआं, उपरले हिस्से दे नाल नीचे वाला हिस्सा अटैच करना। नीचे वाले हिस्से ते आपां बिल्कुल बरीक बरीक चोणां पाउण जा रहे हाँ। ये बिल्कुल बरीक बरीक ते सेम सेम चोणां पाउणियां, जो कि वड्डियां छोटियां नहीं पाउणियां। ये आपां अज काफ़ी हैवी शरारा बनाउण जा रहे हैं, जो कि 5 मीटर कपड़े 'च बनाया। तुस देख रहे हो चोणां किस तरीके नाल पा रहे हैं। आपां ये चोणां इक्को जिहियां पाईआं, छोटिया छोटिया चोणा इस दिन बहुत सोहनिया लगदिया ने। ये मैं नाल दी नाल ही कपड़ा अटैच कर रही हूँ। जे तुसी चाहो तो अलग चोणा पा के नाल ही कपड़ा बाद च भी अटैच कर सकते हो, ये अपने अपने तरीका होंगे है। हम आप चोणा के उपर रख के गोल्डन कलर की लैस लगा रहे हैं। ये वाइट कलर के उपर गोल्डन कलर बहुत जच रही है। बरीक जी गोल्डन कलर की लैस लगाई है, जिस नाल ये सिलाई भी बिल्कुल बैठ जाती है ते चोणा की भी फिनिशिंग बहुत आती है। इस नाल चोणा बरीक बरीक बहुत सोहनिया लगदियाँ। हुण आपां जिहड़ी सेंटर वाली कट हुंदी है लत्त वाली सिलाई वो लगाउण जा रहे हैं। पहला नीचे वाले हिस्से वाली लत्त दी सिलाई लगावांगे। ये लाइनिंग नाल अटैच नहीं किया, इनू आपां अलग तो सिलाई लगाईए ते लाइनिंग नू हुण अलग तो सिलाई लावांगे। लाइनिंग दी भी नीचे वाले हिस्से लत्त वाले हिस्से दी काट वाली सिलाई लगा रहे हैं। ये भी सेंटर सिलाई लगा के ये लाइनिंग नू अलग तो स्टिच किया ते दूसरे कपड़े नू अलग तो स्टिच किया, इसनू आपां नाल अटैच नहीं किया। हुण आपां दूसरी लत्त दी सिलाई लगा रहे हैं। चोली तो लैके पहुँचे तक हम आप चारों सिलाइया लगा लेंगे। इस तो बाद आप चोलियां की सिलाई लगावे। सीधे पासे नाल सीधा पासा रखा, यह है शरारे का कपड़े का। इस तो बाद आप लाइनिंग भी इस तरीके चोलियां नाल चोलियां अटैच करके सीधे पासे नाल सीधा पासा करके चारों कपड़िया नू आपां इकट्ठा कर रखांगे। इत्थे आपां लाइनिंग भी नाल ही अटैच करनी है चोली दी। आपां चोली दी सिलाई सेंटर वालियां सिलाइयां इकट्ठियां कर लांगे, जो कि चोली दी सिलाई अगे पिछे ना होवे। चारों सिलाइयाँ सेम सेम होन एको जगह दी। ये मैं सिलाइयाँ चोली तो स्टार्ट कर रही हाँ, चोली सेम एको जी। जे आप उपरों सिलाई लियावे किसी टाइम चोली की सिलाई अगे पिछे हो सकती है। इस तरीके नाल चोली दी सिलाइयाँ एको जी आनगियाँ। आप नाल ही लाइनिंग अटैच कर रहे हैं, चारों कपड़े लेके सिलाई लगावे। आप गुम सिलाई लगानी है, पहला आप कपड़े दियाँ दोनों तैयार रखियां, उस तो बाद लाइनिंग दियाँ दो तैयार रखियां।
जिस नाल गुम सिलाई लगती है। इसमें आप हम डबल करके सिलाई लगा देंगे, इस नाल सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाती है। हम आप इतने छोटे छोटे कट लगावेंगे चोली के कोल, जिस नाल चोली नूं बिल्कुल भी खिच नहीं पैंदी ना कि वल पैंदे आ। चोली बिल्कुल सफाई नाल तैयार होंदी है, कोई खिच नहीं पैंदी इस विच। आपां नाल दी नाल चारों कपड़िआं नूं खिच के सफाई कर लेनी है, इस विच वल ना कोई भी पवे। चारों कपड़े जो कोई भी कपड़ा अगे पिछे नहीं होना चाहिए, जेकर एक कपड़ा भी पिछे रह गया तो वह सिलाई चो निकल जाएगा। ध्यान नाल सिलाई मारनी है कि चारों कपड़े अपने बराबर बराबर हों। तुसीं देख रहे हो कि गुम सिलाई लग गई है, ये दोनों साइडां ते आपां नूं बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही कोई भी सिलाई। हुण आपां लास्टिक पावांगे, लास्टिक हिप दे अकॉर्डिंग ही कटिंग करांगे। कटिंग करके फिर इहनूं चंगी तरह सिलाई लगावांगे। इसनूं आपां लाइनिंग नूं ते कपड़े नूं एक बार सिलाई लगा के अटैच कर लवेंगे। लाइनिंग थोड़ी जी ढिली छड़ांगे विचली साइड, जिस नाल कपड़े नूं प्लाजो नूं बिल्कुल भी खिंच ना पवे। हुण आपां लास्टिक पाउण शुरू कर रहे हैं। लास्टिक ते आपां बिल्कुल नाल नाल सिलाई लगाउणी है, लास्टिक दे उपर सिलाई नहीं होनी चाहीदी। जेकर लास्टिक दे उपर सिलाई लग गई तां लास्टिक घूमेगी नहीं। आपां बिल्कुल नाल नाल खिच के कपड़े नूं सिलाई लगानी है, कपड़ा ढिल्ला भी नहीं रखना। देखो किस तरह मैं लास्टिक पा के इनू खिंचया, फिर इस चारों पासे इक्को जी लास्टिक हो जाती है। हुण आपां इस दे उपर वाली सिलाई लगावेंगे, जिस कारण लास्टिक पाई हुई बहुत सोहनी लगती है ते एक लास्टिक ये विच फोल्ड भी नहीं हुंदी, नहीं तां लास्टिक घूम जाती है जेकर ये सिलाई ना लगी होवे तां। जेकर तुहानूं मेरी वीडियो वधिया लगे तां शेयर लाइक शेयर जरूर करना। जेकर तुसीं होर भी कुछ पूछना होवे तां मैनूं मैसेज करो। किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा सिलाई करने वास्ते मैं वीडियो तैयार करके तुहानूं देऊंगी। ये आपां नीचे पहुँचे उपर लैस लगा रहे हैं, जिस नाल ये शरारे की बहुत वधिया ग्रेस होंदी है, देखने बहुत सोहना लगता है। पौचा जिस नाल खिलरे खिलरे बनता तो सोहना भी बहुत लगता। गोल्डन लैस लगाई है अपन नीचे भी, जो कि उपर लगाई सी वो नीचे लगाई है। कई बार अपन ज़्यादा सोहनी लैस चौड़ी लगानी होंगी है तो उवें दी भी लगा सकते हैं।
इस तो उपर आप डबल सिलाई लगा रहे हैं। ये दोनों पोंछा ते लैस लगाई है, देखो कितनी सोहनी लुक आई है।